माय उपचार में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, कई महिलाएं आती हैं जो बोलती हैं कि उन्हें जल्दी प्रेग्नेंट होना है, इसलिए डॉक्टर साहब आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने के तरीके बताइए। इसलिए आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर महिला की उम्र 35 साल से कम है तो उस महिला को कम से कम एक साल तक अपने आप प्रेगनेंसी की कोशिश करनी चाहिए, और अगर इस एक साल में प्रेगनेंसी नहीं होती है तब आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो यह समय 6 महीने का हो जाता है, यानी 6 महीने आप प्रेगनेंसी को रिलैक्स्ड नेचुरल तरीके से कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर 6 महीने में आप कंसीव नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी है। जल्दी प्रेग्नेंट होने का तरीका है, इंटरकोर्स के समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको जानना और उसका उपचार करना। जो इंटरकोर्स के समय प्रॉब्लम होती है वो हस्बैंड में भी हो सकती है और वाइफ में भी हो सकती है। हम सबसे पहले वाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है इंटरकोर्स के समय दर्द होना। कई बारी इसको हम वैजिनिस्मस भी कहते हैं, यानी कि इंटरकोर्स के समय महिला को इतनी दर्द और परेशानी है कि वो इंटरकोर्स नहीं करना चाहती हैं। ज़्यादातर ये तब होता है जब आपकी नई नई शादी होती है या कोई भी साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ उस तरह का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। तो जैसे ही इंटरकोर्स का समय आता है, महिला बिना जाने ही अपने जो नीचे श्रोणी के मसल्स हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, और इस समय अगर आप इंटरकोर्स के लिए ट्राई करती हैं या आपके हस्बैंड पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही तकलीफ और दर्द हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इस समय इसको अगर प्यार से और समझदारी से हस्बैंड डील करे तो काफ़ी बारी ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। और कई बारी अगर ये नहीं होती है तो आपको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ती है। कई बारी जो इंटरकोर्स के समय जो दर्द होती है वो वाकई में ही किसी जेन्युइन कारण की वजह से होती है, यानी कि हो सकता है कि उस समय महिला को योनि में यानी वजाइना में कोई इन्फेक्शन है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि पुरुष के अंदर इंटरकोर्स के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पुरुष के अंदर जो इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है, या प्री मेच्योर इजैकुलेशन होती है, या लेट इजैकुलेशन होती है। सबसे पहले हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि पीनस के अंदर वो तनाव या वो इरेक्शन नहीं आ रहा है सेक्स के समय, और ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल कारण की वजह से होता है, या हो सकता है कि मेल के अंदर ये स्ट्रेस है कि मैं सेक्स में इरेक्शन कर पाऊँगा कि नहीं, कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं। तो इस समय आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कई बारी ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि डायबिटीज़ की परेशानी हो, या हो सकता है कि हार्ट डिजीज़ हो। तो जो भी कारण है आप चिंता ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाकर इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और इनका इलाज होता है। अब हम बात करते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन की। प्री मेच्योर इजैकुलेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो 1 मिनट के अंदर अंदर पेनिट्रेशन के बाद आपका जो सीमन है वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम पुरुष को बहुत परेशान करती है, और ज़्यादातर इसका कारण जो होता है वो साइकोलॉजिकल कारण ही होता है, यानी कि आपको परेशानी ये है कि मैं सेक्स परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं, या मेरा जो इजैकुलेशन है वो सही होगा कि नहीं। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना है और आपको ट्रीटमेंट लेनी है, और ये ठीक हो जाता है। सेक्स से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए माय उपचार आयुर्वेदा उर्जास कैप्सूल आजमाएं, जो 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है। बिना किसी साइड इफेक्ट के पाएं यौन जीवन का भरपूर आनंद। आज ही माय उपचार पर जाकर इसे ऑर्डर करें। तीसरी बात हम करेंगे लेट इजैकुलेशन की। लेट इजैकुलेशन भी एक परेशानी है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आपका या तो पीनस में इरेक्शन नहीं हो रही है, या आपका सीमन में निकलने में कोई रुकावट है। हो सकता है कि अंदरूनी कोई डक्ट ब्लॉक्ड है, या कोई भी कारण है। इस ब्लॉकेज की वजह से सीमन जो है वो पीने से बाहर नहीं निकलता है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ जब आप सेक्स करते हैं तो वो फीलिंग्स आपको नहीं आती हैं, जिस कारण इरेक्शन होता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और आपको अपना इलाज कराना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर इस विषय के संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे।